Here is the explanation of the chapter name, the Chocolate Cream Soldier. ये जो chapter है ये एक extract है, full जो आपका drama है, play है, उसका एक छोटा सा extract दिया है. और इस character, इस extract में जो characters हैं वो हैं Rana and a man. Rana जो है वो एक young noble woman है और जो man है वो एक enemy soldier है. यहाँ पर chapter का name आपको given है The Chocolate Cream Soldier. ये जो बात हो रही है इस चैप्टर में वो हो रही है 1885 की जब सर्बिया और बल्गेरिया के बीच में वॉर चल रहा था. रैना जो थी वो बल्गेरिया या यंग वुमन बल्गेरियन वुमन वो बल्गेरिया की एक यंग वुमन थी जिसको ये बताया गया था कि जिससे वो शादी करने वाली है जिससे उसकी इंगेजमेंट हुई है उस इंसान का नाम था सर्जियस और वो एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही सक्सेसफुल कैवलरी चार्ज पर्सन है ये उसको बताया गया था. वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी जिससे शादी हो रही है वो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर है. शी इज़ ऑल्सो गिविन द न्यूज़ सर्बियन सोल्जर्स आर एस्केपिंग. साथ ही साथ उसको ये भी बताया गया था कि जो एनिमी आर्मी है सर्जिया की सर्बिया की वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो उनके शहर को छोड़कर भाग रहे हैं. रनिंग फ्रॉम हिज परस्यूज एन एनिमी सोल्जर और उन्हीं सोल्जर्स में से भागते हुए एक सोल्जर रैना के रूम में आ जाता है तो अलार्म्ड एट फर्स्ट शी नोज पिटी फॉर हिम. पहले तो वो चिल्लाती है आवाज़ करती है लेकिन बाद में वो उसको छुपने की जगह देती है. रैना उससे बातचीत करती है जिस बातचीत को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मैन जो है जब वो भाग रहा होता है तो उसके पीछे जो आर्मी पड़ी हुई है बल्गेरिया की उस आर्मी से बचने के लिए वो क्या करता है उसको एक घर दिखाई देता है और वो पाइप से चढ़कर ऊपर रूम में पहुंचता है. वो रूम निकलता है रैना का. उसको खुद भी आइडिया नहीं था कि वो एक मतलब रैना के रूम में पहुंच जाएगा. वहाँ पहुँचता है जब रैना की पहली बार उस पर नज़र पड़ती है तो रैना चिल्लाने लगती है और वो उसको पकड़ कर कहता है कि डरो मत मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा तुम बिल्कुल भी मत डरो मेरे पीछे सोल्जर्स पड़े हुए हैं तो मैं सिर्फ उनसे बचने के लिए यहाँ पर आया हूँ. फिर उसकी कंडीशन देखकर रैना को भी दया आ जाती है और वो उसको छुपने की जगह दे देती है. उस टाइम पर फिर वो जो मैन है वो कहता है कि काश मेरे पास इस वक्त कुछ चॉकलेट होती. और फिर रैना जाती है ड्रॉर खोलती है चॉकलेट्स देखती है तो सिर्फ वहाँ रैपर होते हैं तो वो जो सोल्जर है वो कहता है कि मैं पहले ही सारी चॉकलेट्स खा चुका हूँ मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी. तब उस टाइम पर इसी वजह से उस सोल्जर का नेम क्या पड़ा गया चॉकलेट क्रीम सोल्जर क्योंकि उसकी पॉकेट में क्या थी चॉकलेट्स थी इंस्टीड ऑफ गन्स. उसके पास कोई भी एम्यूनिशन कोई भी हथियार उस वक्त नहीं थे उसके पास सिर्फ खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स थी. फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होती है. तब वो सोल्जर बताता है कि तुम्हारे देश की आर्मी जो है वो बहुत ही कायर है बहुत ही बेकार आर्मी है उन्हें कोई भी वॉर के रूल्स नहीं पता है उन्हें प्रोफेशनल वे में लड़ाई करनी नहीं आती है. वो सब लोग मार पीट कर लड़ाई कर रहे थे मतलब हम लोगों को पकड़ कर वो पीट रहे थे इस तरीके से कोई लड़ाई थोड़ी की जाती है. तो ये सारी बातें रैना उनकी सुन रही है. रैना कहती है अच्छा तुम्हें पीट दिया है तो वो इल्लीगल हो गए वो गलत हो गए अनप्रोफेशनल हो गए तुम्हें अगर उन्होंने पीट दिया तो ये मजाक की बातें चल रही होती हैं. फिर वो कहता है वो पर्सन कि ये जो कैवलरी चार्ज था जो मुझसे लड़ने के लिए आया था उनका जो लीड पर्सन था जो मेन पर्सन था जो उसको हेड कर रहा था वो सबसे बड़ा कायर था. मैंने इस दुनिया में उससे बड़ा कायर इंसान नहीं देखा. और वो साथ ही साथ उनकी जो टीम थी जो कैवलरी चार्ज था उसको मटर के दानों से कंपेयर करता है पीस से कंपेयर करता है. कहता है कि ये जो आर्मी थी वो पीस की तरह थी. अगर पीस को मुट्ठी में भरकर विंडो पेन पर फेंका जाए तो शुरुआत के एक दो दाने तो कांच से टकराएंगे लेकिन बाकी सारे दाने लंप में ढेर बनकर नीचे गिर जाएंगे. उसी तरीके की तुम्हारे देश की आर्मी थी और ये जो पर्सन जो लीड कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा कायर था. मैंने उससे ज़्यादा कायर इंसान नहीं देखा और मेरा बस चले तो उसकी कायरता के लिए उसको कोर्ट मार्शल करा दिया जाए मतलब वो आर्मी में रहने के लायक ही नहीं है. अब रैना को क्लिक होता है कि जो पर्सन चार्ज कर रहा था लीड कर रहा था वो तो उसका मंगेतर है. तब वो उससे पूछती है कि वो इंसान दिखने में कैसा था. जो रैना है वो क्यूरियस होकर पूछती है कि वो इंसान दिखने में कैसा था. तो ये सोल्जर उसको बताता है कि ही लुक्ड हैंडसम. देखने में तो वो हैंडसम था उसकी मोस्टेज थी बड़ी बड़ी आँखें थीं दिखने में तो वो अच्छा था लेकिन और उसको देखकर हम सभी लोग हमारी जो आर्मी थी उनको हंसी आने लगी कि ये सोल्जर है या फिर कोई हीरो है एक्टिंग करने के लिए आया है या फिर लड़ने के लिए आया है.
फिर रैना जाती है उठकर और ड्रॉर से एक फ़ोटो निकालती है और उस सोल्जर को दिखाती है और कहती है, क्या ये वही सोल्जर है? तो कहता है कि हाँ, ये वही सोल्जर है, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा कायर इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। फिर रैना बताती है कि ये मेरा मंगेतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है। तब वो सोल्जर एक मिनट के लिए चुप हो जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा मंगेतर है, वरना मैं ये सारी बातें तुमसे नहीं करता। तब रैना हंसने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं। और एक्चुअल में रैना को उस टाइम पर सच्चाई पता चल जाती है और सर्जियस की असलियत पता चल जाती है कि वो कोई ब्रेव सोल्जर नहीं है बल्कि वो एक कायर सोल्जर है। फिर इन दोनों के बीच बात होती है, फिर बाहर का माहौल ठंडा होता है तो ये जो सोल्जर है वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ, अब मुझे बाहर थोड़ी शांति सी दिखाई दे रही है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन रैना उसको रोकती है। रैना कहती है कि नीचे बहुत सारे पत्थर डले हुए हैं, अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वो जो सोल्जर है वो उससे कहता है कि मैं 36 घंटे से नहीं सोया हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है, मुझे इस वक्त बस एक स्लीप चाहिए, एक गहरी अच्छी स्लीप चाहिए। अगर मैं इस वक्त मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई गम नहीं होगा, एटलीस्ट मुझे शांति से आराम से सोने तो मिलेगा, कोई मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। और वो रैना से ये भी कहता है कि तुम अपने रूम की जो कैंडल्स हैं उनको बुझा दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो आर्मी है उनके सोल्जर्स को कुछ आइडिया हो, उनको कुछ पता चले कि मैं यहाँ हूँ, और शायद वो अटैक करें तो तुम पर भी अटैक कर सकते हैं, तो तुम थोड़ा इन सब से दूर रहो। वो ये सब इसलिए कहता है, आउट ऑफ कंसर्न कहता है कि रैना ने उसको इतनी देर छुपने के लिए जगह दी, उसको खाने के लिए चॉकलेट्स दी, तो इस वजह से वो उससे ये सारी चीज़ें कहता है। फिर रैना को लास्ट में एक आइडिया आता है कि तुम एक काम करो, रैना के जो फादर हैं वो भी आर्मी में हैं। तो रैना अपने फादर का सूट उठाकर उसको दे देती है और कहती है, तुम ये सूट पहनकर चले जाओ तो कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि तुम बल्गेरिया के ही सोल्जर हो। तो वो सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नेम्ड अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। इट्स जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, नॉट द कम्प्लीट स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर सॉ एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल। वो जो सोल्जर आया हुआ है वो कह रहा है कि मैंने इतनी अनप्रोफेशनल चीज़ें कभी नहीं देखी। ये सारी बातें वो रैना से कह रहा है और अनप्रोफेशनल थिंग वो वॉर के बारे में बता रहा है कि इतनी अनप्रोफेशनल वॉर मैंने नहीं देखी कि यहाँ ये लोग हाथों से पिटाई कर रहे हैं दूसरी आर्मी की। चॉकलेट क्रीम सोल्जर ने दो तरीके के सोल्जर्स बताए, तो पहले उसने बताए हैं ओल्ड वन और दूसरे बताए हैं उसने यंग वन। एक वो कहता है कि एक्सपीरियंस टाइप सोल्जर थे और दूसरे वो कहता है कि इनएक्सपीरियंस टाइप सोल्जर होते हैं। एक का काम होता है फ्रंट में आके लड़ना और पीछे वालों का काम होता है उन सब के लिए खाना बनाना। इस टाइप से उसने क्लैरिफिकेशन किया। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द कैवलरी चार्ज लीड बाय सर्जियस सक्सीड। सर्जियस की आर्मी कायर होते हुए भी कैसे जीत गई, तो उसका रीज़न ये था कि बल्गेरिया के जो सोल्जर्स थे उन्हें गलत जो वेपन सप्लाई कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा और उसी सिचुएशन का फ़ायदा सर्जियस ने उठाते हुए उनको हरा दिया। वाई इज़ रैना ईगर। ईगर कैबलरी चार्ज के बारे में सुनने के लिए रैना इतनी ईगर क्यों थी? क्योंकि जो कैवलरी चार्ज जो लीड पर्सन कर रहा था वो रैना का मंगेतर था, इसलिए वो उस पर्सन के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक थी। चॉकलेट क्रीम सोल्जर ने कैवलरी चार्ज को किससे कंपेयर किया? तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर ने बीन्स मटर के दानों से कैवलरी चार्ज को कंपेयर किया, जो शुरुआत में एक दो तो विंडो पेन से टकरा जाते हैं लेकिन बाकी सारे लंप में ज़मीन पर गिर जाते हैं। चॉकलेट क्रीम सोल्जर ने यह क्यों कहा कि सर्जियस को कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए? तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका कहना था कि इससे ज़्यादा कायर सोल्जर मैंने कभी नहीं देखा, इतने कायर सोल्जर को आर्मी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे सोल्जर का तो कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। चॉकलेट क्रीम सोल्जर ने डेथ को क्यों प्रेफर किया वहाँ से भागने की अपेक्षा? तो उसने कहा कि मैं 36 घंटे से नहीं सोया हूँ, अब मुझे एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, उसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, क्योंकि अब मेरी बॉडी जवाब दे चुकी है, अब मुझ में और कैपेसिटी नहीं है। रैना ने एनिमी सोल्जर को चॉकलेट क्रीम सोल्जर क्यों कहा? रैना ने एनिमी सोल्जर को चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसलिए कहा क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं थे, उसके पास सिर्फ खाने के लिए चॉकलेट्स थी और रैना के पास आकर भी उसने आकर चॉकलेट्स ही मांगी खाने के लिए, इसीलिए रैना ने उसका नाम रख दिया चॉकलेट क्रीम सोल्जर। लास्ट में जाते जाते उस सोल्जर ने रैना से ये क्यों कहा कि तुम विंडो से दूर रहो? तो उसने इसलिए कहा कि वो नहीं चाहता कि आर्मी को पता चले वो रैना को देखे और रैना को किसी भी तरीके का नुकसान हो, इस वजह से आउट ऑफ कंसर्न उसने कहा कि तुम विंडो से दूर रहो। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नेम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर।
जहाँ पर ये एक स्टोरी बताई गई है कि एक लड़की किस तरीके से एनिमी सोल्जर की मदद करती है, मदद उसकी बहादुरी की वजह से करती है, वो प्रॉब्लम में था उस वजह से करती है। तो यहाँ पर एक समझदार लड़की और एक एनिमी सोल्जर की स्टोरी को यहाँ पर आपके सामने बताया गया है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एवरीवन।